नमस्कार, ट्रेंडिंग मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गुरप्रीत। आज हम बात करेंगे नागिन सिक्स के बारे में। एकता कपूर का सुपर नेचुरल शो नागिन सिक्स टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लाख ट्विस्ट और टर्न्स आने के बाद भी नागिन सिक्स टीआरपी के टॉप 5 शोज में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। यही वजह है कि वो नागिन सिक्स के मेकर शो की कहानी के साथ छेड़छाड़ करने पर तुले हुए हैं। बीते कुछ समय में कई किरदार की एंट्री करवाई जा चुकी है। इसी बीच नागिन सिक्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नागिन सिक्स से टीवी अदाकारा सुधा चंद्रा का पत्ता साफ हो गया है। नागिन सिक्स में सुधा चंद्रन सीमा गुजराल का किरदार निभा रहे हैं। सीमा गुजराल एक दानव है जो कि अपने ही देश को तबाह करना चाहती है। एक रिपोर्ट की माने तो मेकर्स ने सुधा चंद्रन के किरदार को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। नागिन सिक्स की कहानी में बड़े बदलाव करने के लिए मेकर्स ने ये फैसला उठाया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सुधा चंद्रन के किरदार को मार दिया जाएगा। फिलहाल प्रथा नेवले का सामना कर रही है। गौरतलब है कि सीमा गुजराल तीसरी बार नागिन का हिस्सा बनी है। इससे पहले सुधा चंद्रन ने नागिन सीजन 1 और 2 में भी काम किया था। नागिन के इस सीजन ने टीआरपी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सुधा चंद्रन और मौनी राव ने नागिन के जरिए खूब लाइमलाइट बिटोरी थी। यह बात ध्यान में रखते हुए कि नागिन सिक्स के मेकर्स ने नए सीजन में सुधा चंद्रन की वापसी करवाई थी। हालांकि सुधा चंद्रन के आने से भी नागिन सिक्स की टीआरपी नहीं बढ़ी। अब तक सुधा चंद्रन शो में पॉजिटिव रोल निभा रही है। कुछ समय पहले ही सुधा चंद्रन जानी सीमा ने प्रथा को अपना रंग दिखाना शुरू किया है। इन दिनों में सीमा गुजराल प्रथा और त्रिषभ से बदला लेने में जुटी हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।